साउथ सुपरस्टार दुल्कर सलमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी दमदार अदाकारी के चलते उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। अब जल्द ही दुल्कर सलमान बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के साथ फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद लोग इसके सिनेमा घर में रिलीज होने का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। लेकिन इससे पहले आज इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ सुपरस्टार दुल्कर सलमान के बारे में। दुल्कर सलमान मलयालम और तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते हैं। दुल्कर मलयालम इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें मोस्ट डिजायरेबल मैन के लिस्ट में शामिल किया गया। मिल रही 28 जुलाई 1986 कोची में एक मिडिल क्लास फैमिली में दुल्कर सलमान का जन्म हुआ। दुल्कर को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। उनके पिता ममूटी साउथ इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर है और इसी वजह से दुल्कर बचपन से ही फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। साल 2012 में सेकेंड शो फिल्म से दुल्कर सलमान ने मलयालम इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद दुल्कर सलमान बेहद ही कम समय में फिल्म उस्ताद होटल, एबीसीडी बेंगलुरु डेज, ओ काढ़ल कनमनी, 100 डेज ऑफ लव से इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो गए। दुल्कर सलमान को अभी तक 4 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। इनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से इन्हें आगे चलकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला और यहाँ भी उन्होंने अपने एक्टिंग का परचम लहराया। दुल्कर सलमान एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन सिंगर भी है। एक्टर को कार्स का काफी शौक है। दुल्कर सलमान के पास एक से एक महंगी कारें हैं। एक्टर बनने से पहले दुल्कर सलमान का खुद का ऑनलाइन पोर्टल था जहां वो कार्स की ट्रेडिंग भी करते थे। यही नहीं बल्कि एक्टर दुल्कर सलमान मदरहुड नाम के हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है। दुल्कर एक प्रोड्यूसर भी है और उन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह बता दें कि फिल्मों में आने से पहले दुल्कर सलमान ने दुबई में बतौर बिजनेस मैनेजर काम किया था। फिर इसके बाद दुबई में उन्होंने अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया और इस पर वो कार की ट्रेडिंग करने लगे। गौरतलब है कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था मगर दुल्कर सलमान के सिर पर एक्टिंग का भूत सवार था और इसलिए वो मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने 3 महीने के लिए एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिर साल 2018 में दुल्कर ने कारवा फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। ये दिल को छू लेने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में दुल्कर सलमान और दिवंगत एक्टर इरफान खान की केमिस्ट्री देखने लायक थी। फिर साल 2019 में वो फिल्म द जोया फैक्टर में नजर आए। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही अब वो सनी देओल की फिल्म चुप को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म में उनके अलावा बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, पूजा भट्ट, श्रेया धनवंतरी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 23 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप दुल्कर सलमान को लेकर क्या कहेंगे? वो आपके कितने फेवरेट एक्टर हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।